आपकी साड़ी पुरानी हो गई, आपने फेंक दी। आपकी टी शर्ट पुरानी हो गई, आपने फेंक दी। आपकी जीन्स फट गई, आपने फेंक दी। पर अगर हम आपको इन सभी चीजों को रीयूज करना सिखाएं और उनसे नई चीजें बनाना सिखाएं तो कैसा रहेगा? तो चलिए, यही सीखने के लिए आज हम पहुंचे हैं M&D Creations की दीप्ति के पास। दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दीप्ति, सबसे पहला सवाल, चीजें रीयूज जब हम करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, क्या फायदा है उसके? देखिए, बहुत फायदे हैं। जैसे घर में पुरानी टी शर्ट पड़ी है, डेनिम्स पड़ी है, जिन पे आपने इतना पैसा लगाया है, उसे फेंकना कई लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता। तो उनसे हम कई तरीके की चीज़ें बना सकते हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको और उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एक ये टी शर्ट है, बार बार पहन के हमने इसको बहुत यूज़ कर लिया है, फेड हो गई है, पुराना डिज़ाइन है, इसको हम एक नई लुक देना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़ी सी कटिंग, इस पर थोड़ा सा वर्क एड ऑन करके हम इसको एक कम्प्लीटली न्यू स्टाइलिश इसके हम स्लीव्स कट करके हम इसको एक हॉल्टर नेक दे रहे हैं, थोड़ा सा नेकलाइन डीप कर रहे हैं एंड वी जस्ट यूजिंग सम एक्सेसरीज इस पे डाल के, फ्लावर्स, थोड़ी सी सीक्वेंस डाल के उसको थोड़ा ड्रेसी बना रहे हैं। प्राची, अब आपने देखा कि कैसे पुरानी टी शर्ट को हमने एक नया कटआउट दे दिया है, उसको बहुत स्टाइलिश लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, अब हम इस पर एक लेस सेटिंग कर देंगे और थोड़ा सा सीक्वेंस अगर स्कैटर हो जाए तो ये आपकी ड्रेसी लुक आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या होगा। बिल्कुल। अब ये देखिए, जो पुराना बोरिंग सी जो टी शर्ट थी वो अब उसे नया लुक दे दिया गया है, इसका फाइनल लुक तैयार हो गया। और देखिए कितना ज़्यादा पार्टी टॉप और कितना ड्रेसी टॉप हो गया है। दीप्ति, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुर्ता लग रहा है, क्या है ये? प्राची, ये एक रग थी जो इस एरिया से जल गई थी, तो उसको हमने एक शर्ट की तरह यूज़ करना चाहे, जिसमें हमने ये जो नीचे का एरिया है वो एक पुराने फैब्रिक जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसको और उसको अटैच करके एक शर्ट लुक दी है। इसके साथ आप पजामी एंड दुपट्टा कैरी करके यू कैन मेक इट एज अ सूट या आप उसकी कुर्ती ही वेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पुराना रग भी आपने यूज़ कर लिया और उसके साथ साथ एक पुराना फैब्रिक भी यूज़ कर लिया, तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके आपने एक पूरी ड्रेस बना ली। वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक टी शर्ट थी जो नीचे से एरिया इनका था वो उस पर स्टेन आ गया था, उसको हमने नीचे का एरिया कट डाउन करके और उसको नेकलाइन को हॉल्टर नेक दे के एक बैकलेस पीछे से दे दिया। दी स्ट्रिंग्स वी हैव डन आउट ऑफ स्लीव एरिया और नीचे इसमें एक जो वेस्ट दुपट्टा था मिक्स एंड मैच करके हमने उसको स्कर्ट एरिया बना के एंड वी हैव मेड अ कम्प्लीट ड्रेस आउट ऑफ इट। तो आपकी टी शर्ट भी यूज हो गई और दुपट्टा भी यूज हो गया एंड एट द सेम टाइम वेरी चीप एंड वेरी इकोनॉमिक। वेरी नाइस। जैसे कि श्रग्स बहुत फैशन में है आजकल, आपने देखा होगा। ये श्रग हमने एक साड़ी बॉर्डर में से बनाई है, जो एक कंप्लीट 9 मीटर साड़ी बॉर्डर था उससे हमने ये पूरी ड्रेस इनकी रेडी की है। इट्स अ रिमूवेबल श्रग, इसको हमने ये पूरा यहाँ पे जॉइन देके एंड वी हैव गिवन अ पैटर्न स्लीव्स पे एंड ऑन द घेरा सो एज टू मेक इट अ कंप्लीट ड्रेस। साड़ी भी वेस्ट हो जाती, बिल्कुल तो उसका बॉर्डर यहाँ पे रीयूज कर लिया। बिल्कुल, है बिल्कुल। पर आमतौर पर ये अगर ड्रेस आप शादी के लिए, अगर ऐसी कोई ड्रेस आप बनवाने जाएं तो कितना खर्चा पड़ता है? प्राची, यही ड्रेस अगर आप मार्केट में चेकआउट करेंगे तो ये आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में भी पड़ सकती है।